गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अंजलि। एंड यस, आज का ये वीडियो जिस प्रोडक्ट के बारे में है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है गाइस। एंड यस, डेफिनेटली घर घर में इस प्रोडक्ट की जरूरत होती है, लेकिन क्या है वो प्रोडक्ट उसके बारे में बात करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को दे दीजिए अपना थम्स अप। एंड यस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अंजलिबिष्टसामंत। तो चलिए गाइस, हम बात कर लेते हैं उस प्रोडक्ट की जिसके बारे में आज का वीडियो है। वेल, मॉस्किटो एंड इंसेक्ट कोई भी नहीं चाहता है उनके घर पे आए, क्योंकि ये तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। एंड यस, फिर भी ये आ जाते घर पे शाम होते ही, तो उसके लिए हम अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, सो दैट कि मॉस्किटो हमारे घर पे नहीं आए। बट ऐसा करने से, आई मीन विंडोज एंड डोर्स क्लोज करने से क्या होता है कि फ्रेश एयर भी घर पे नहीं आती है, एयर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, फ्रेश एयर एंड ऑक्सीजन हमारे घर पे नहीं आ पाती है। तो इस चीज के लिए कि मॉस्किटो भी हमारे घर पे नहीं आए बट फ्रेश एयर भी हमारे घर पे आए, उसके लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो है नेट, जो कि हर कोई अपने घर की विंडो पे लगाता है। गाइस, मार्केट में जो मॉस्किटो नेट अवेलेबल होते हैं वो किसी न किसी मेटल के होते हैं, या वो आयरन के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, या फिर किसी और मेटल के। और उनको घर पे अपनी विंडो में फिट करवाना एक बहुत ही मैसी टास्क होता है। उसके लिए हमें कारपेंटर को बुलाना पड़ता है, फिर वो प्रॉपर ड्रिल मशीन लाके ड्रिल करके कील और नट वगैरह लगा के हमारे नेट को फिट करता है, इंस्टॉल करता है। एंड यस, उसके बाद अगर उसे कभी निकालना हो तो वो भी एक बहुत ही टफ टास्क होता है, एंड स्पेशली उस नेट की क्लीनिंग भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है करना। तो यस, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ यही मॉस्किटो नेट का एक एडवांस वर्जन, जिसको इंस्टॉल करना, क्लीन करना बहुत ही ईजी है। एंड यस, आई थिंक आपको डेफिनेटली पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो इसको मैं हाफ अनपैक ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसके बाहर की कवरिंग निकाल चुकी हूँ, और ये इसके अंदर का है कवर, तो इसको भी ओपन कर लेती हूँ मैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर आप देख सकते हो कि इस तरीके का एक नेट है, जो कि बिल्कुल ही कोई मेटल नहीं है, ये ना ही तो आयरन है ना एल्युमिनियम है, ये एक फैब्रिक है और ये बिल्कुल नेट की तरह काम करेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, सॉफ्ट है एंड लाइट वेटेड है। साथ में मिला है हमें इस तरह का एक कटर, डेट मीन्स कि आप सोच सकते हैं कि इतनी इजिली आप खुद इसको कट कर सकते हैं घर पे इस कटर की हेल्प से। एंड यस, ये टेप, तो देखने में काफी इजी टू इंस्टॉल लग रहा है। मैं अभी आपको इसका डेमो दूंगी कि कैसे आपको इसे अपनी विंडो पे लगाना है। ये देखिए, इस तरह का टेप है और जो ये नेट है इस पर ऐसे वैक्यूम लगा हुआ है, और इस टेप की एक साइड में ग्लू है दिस साइड, और इधर वैक्यूम है। जो टेप होता है वो इसमें इस तरह से आपको लगाना है। तो बहुत इजी टू इंस्टॉल लग रहा है मुझे, एंड ये मैंने लिया है अमेजोन से, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। तो अगर आप वहां से जाके लेना चाहें या इसे चेकआउट करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। पहले मैं जो इसकी बेसिक क्वालिटीज हैं वो आपको बता दूं, तो एक तो यह है हाई फाइबर, ये फैब्रिक से बना है, लाइट वेटेड है, इजी टू इंस्टॉल है, एंड ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। उसके साथ ही साथ इजी टू क्लीन है, क्योंकि ये वॉशेबल है, इजी टू रिमूव है, और इसको आप कहीं पे भी निकाल के दोबारा से रीयूज भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी क्वालिटीज है गाइस। तो चलिए, अब मैं इसको फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको आप इसे इजिली खुद भी विदाउट किसी की हेल्प के अपनी विंडो पे लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा बेडरूम का विंडो जिस पे मुझे ये नेट लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे विंडो का जो फ्रेम है वो मेटल का बना हुआ है, तो इस पे ड्रिल करना या कील ठोक के वो रेगुलर नेट लगाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। तो देखते हैं मैंने जो नेट ऑर्डर किया है वो इस पे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैंने अपनी विंडो का नाप लिया है कि मुझे किस साइज का नेट चाहिए, और अब मैं इस नेट को उसके अकॉर्डिंग कट कर लेती हूँ। तो बहुत ही सॉफ्ट नेट है ये, इसमें ऐसे हाथ कटने का बिल्कुल भी डर नहीं है जो कि मेटल के नेट के साथ होता है। तो बहुत ही सेफ है ये, इजीली आप इसे कट कर सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले अपनी विंडो पे जहाँ पे मुझे नेट लगाना है वहाँ पे ये वैक्यूम टेप को पेस्ट कर दूंगी।
और अब इसके बाद जो मैंने नेट अपनी विंडो के साइज का कट किया है उसके ऊपर इसको इस तरह से मुझे लगाना है। और बस देखिए कितनी इजीली ये लग जा रहा है, कोई भी आपको ड्रिल करने की, कोई भी कीले ठोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड यस, बस ये हो गया। तो आप, मेरा घर बिल्कुल प्रोटेक्टेड है मॉस्किटो से, इंसेक्ट से, और मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है इस नेट को लगाने के लिए, और फ्रेश एयर भी आती रहेगी मेरे घर के अंदर। यस, देखा गाइज आपने कि कितना इजी टू यूज, आई मीन इजी टू इंस्टॉल था। मैंने खुद ने, अकेले ने कितना इजीली और कितने कम टाइम में इसको लगा लिया। तो अगर आपको भी अपने घर की विंडो के लिए मॉस्किटो नेट की ज़रूरत है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में जाके वो हैवी मेटल वाले मैसी मॉस्किटो नेट लाके कारपेंटर को बुला के उसे अपने घर में इंस्टॉल करवाने की। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और खुद ही लगा सकते हैं। यस, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल का है ये प्रोडक्ट, इसीलिए मैंने इसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। एंड इसको जब भी आपको क्लीन करना हो तो ईजिली आप इसको रिमूव कर सकते हैं, क्लीन करके ड्राई करके फिर से लगा सकते हैं। एंड यस, इसको कैसे रिमूव करना है वो मैं बताना आपको भूल गई, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इस नेट को रिमूव करना भी बहुत इजी है गाइस। तो आपको बस इस तरह से नेट पकड़ के उसको पुल करना है, फिर वो वैक्यूम टेप जो आपने विंडो के साइड में लगाया था उससे निकल जाएगा, और उसके बाद आप इसको वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके दोबारा से फिर वैसे ही जैसे ये था वैसे लगा सकते हैं। तो अगर आपको यूजफुल लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। फिर से कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले गाइज। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियोस लेके आती रहती हूँ आपके लिए। ट्राई करती हूँ कि बीच में 3 वीडियोस अपलोड करूँ, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलती हूँ न्यू इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव योरसेल्फ। बाय।